गाली छोड़ देते हैं, हैरान का इंतजार करते हैं। इस सूरत हाल का मतलब फकत यही है कि जो अल्लाह हमें इस बात से बाखबर कर रहा है कि ईमान लाने वालों अपने को, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को धोखा किया से बचाओ, तो अगर हमने अपनी सोसाइटी को इस हाल पर बाकी रहने दिया तो इसके माने ये है कि हम ईमान के बावजूद आपके करीब हो गए। मैं जो आपके सामने कहना चाहता हूं उनके कहने से पहले बात करना चाहता हूं, उसे आप जरा तवज्जो के साथ सुनिए। हर मोमिन का फरीदा खुदा ने यह करार दिया है कि वो अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को दोजख की आग से बचाए। आपकी तवज्जो हासिल करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि जब मुझमें और आप में से कोई शख्स भी अल्लाह के हुक्म से मुस्तस्ना नहीं है कि जितने आदमी हमसे मुताल्लिक हैं हम उनको दोजख की आग से बचाने की कोशिश करें, तो अब मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि एक राकेब जो मिंबर पर आता है, जिसको उसके सुनने वाले एक इज्जत देते हैं, उस राकेब का क्या फरीदा हो जाता है? वो आग से बचाने की कोशिश करे या न करे? अगर आग से बचाने की कोशिश करे तो यकीनन उसको उन बातों का तज़किरा करना पड़ेगा जिनको सुन के लोग मुतवज्जे हो कि हम आग से अपने आप को बचाए। दूसरा रास्ता यह है कि हम कर दिन के लिए आए हैं, आपने हमें एक इज्जत दी है, हम इस इज्जत का गलत फायदा उठाए और सिर्फ इज्जत तक बात रहने की ओर चले, तो मैं समझता हूं कि मोहब्बत का तकाजा यह है कि आपसे सच्ची और सही मोहब्बत यही है कि मैं उन तस्करों को पेश करूं जो हमारी सोसाइटी को इस बात की तरफ मुतवज्जे करें कि हम कहीं आपके करीब तो नहीं हो रहे हैं, ताकि अपने को और अपने घर वालों को, अपनी सोसाइटी को दोजख की आग से बचा सके। तो मैं समझता हूं अगर एक डॉक्टर जो फकत आपसे फीस ले ले, फकत दवाओं की कीमत ले ले और आपकी बीमारी को न देखे, वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, तो आप इससे भी इत्तेफाक करेंगे कि जो डॉक्टर फकत आपकी पाई हुई, आपकी दी हुई इज्जत पर इत्तेफाक करे और आपसे मोहब्बत न करे वो डॉक्टर नहीं है, उसे मुंबर पर आने का हक नहीं है। हाँ, एक बात ठीक है कि कभी कभी दवा मीठी होती है तो मरीज भी राजी रहता है और डॉक्टर भी राजी रहता है, कभी दवा कड़वी होती है तो मरीज नाराज होता है, मगर मरीज के नाराज होने पर भी डॉक्टर को नाराज होने का हक नहीं होता है। जब कोई डॉक्टर किसी बच्चे को इंजेक्शन लगाना चाहता है तो बच्चा रोता भी है, बच्चा बिगड़ता भी है, बच्चा गालियां भी देता है, बच्चा काट भी खाता है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर का फरीदा यही है कि वो गुस्सा न करे, वो नाराज न हो, वो जो मोहब्बत का तकाजा है उसे पूरा करता रहे। तो अभी जाने ग्रामी मुझे 4 दिन से पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि आपके अंदर कुछ इख्तलाफ पाए जाते हैं, आपके अंदर एक दूसरे के बारे में कुछ हकूक और सुभाष पाए जाते हैं, लेकिन मैं आपके सामने आपके बाद दोबारा कभी कहने की जरूरत मैं नहीं महसूस करूंगा। आज मैं एक मरतबा और आखिरी मरतबा आपके सामने कहना चाहता हूं कि मैं आपके दरमियान का आदमी नहीं हूं, मैं बाहर से आया हूं, मेरा रबता, मेरा ताल्लुक, मेरी मोहब्बत किसी खास आदमी से, किसी खास जमात से, किसी खास ग्रुप से नहीं है, मैं हर किया इस नागरी की खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूं। अब आप बताएं, मैं दायरी में अगर कोई ऐसी बात कहता हूं जो किसी की जात के लिए बात मुताबिक हो जाती है तो मेरे पास इनमें रैप तो नहीं है, लेकिन आप मुझे फैसला करके बताएं
मैं क्या रास्ता इख्तियार करूं। मैंने अगर कहा नमाज पढ़ो और वो आदमी नाराज हो जाए तो नमाज नहीं पढ़ता है, तो उसके नाराज होने की बिना पर कहना छोड़ दूं कि नमाज न पढ़ो। मैंने कहा दाढ़ी रखो, जो दाढ़ी मुलाते हैं जिनको मैंने बताया दाढ़ी मुलाना हराम है वो नाराज हुए, तो मैंने दाढ़ी का मुलाना जायज कर दिया मतलब या बयान करना बंद कर दिया। तो ये बताइए मैं क्या चीज बयान करूं और क्या चीज न बयान करूं। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, मैं अपने ख्याल पेश करने आया हूं, मैं किसी की गाइडेंस और रहबरी के माध्यम से कहने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूं। जो कुछ मैं कहता हूं अपने ख्याल से कहता हूं, और इसलिए कहता हूं कि मैं सोसाइटी को दोजख की आग से बचाना अपना फरीदा समझता हूं। मैं आपके सामने इसलिए नहीं आया हूं कि मैं आपको जवाब दे हूं। मैं जब मिंबर पर आता हूं तो मेरे सामने ये हकीकत रहती है, मुझे खुदा को जवाब देना है, मुझे नबी को जवाब देना है, मुझे ईमान को जवाब देना है। तो मैं सिर्फ ये सामने रखना चाहता हूँ कि मैं खुदा और नबी ईमान के सामने कह सकूँ कि पालने वाले मेरे नबी मेरे ईमान, मैंने मैसेज और पैगाम के पहुँचाने में कोई कमी नहीं की है। और उसके बाद दोनों हाथों को जोड़ के बड़ी बड़ी जन्मनाना की सरकार ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर लालमी ने मैंने कोई ऐसी बात कही जो किसी की जात पर मुंतबी हो गई तो उसको रंगीदा नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं उससे ये भी कहना चाहूंगा कि हर किस मेरा मंशा नहीं है कि आप रंगीदा हो जाएं। आप रंगीदा हो जाएंगे तो मैं जो आप में तब्दीली पैदा करना चाहता हूँ वो तब्दीली नहीं पैदा कर सकूंगा। ज्यादा मेरा फरीदा है कि मैं आपसे इतनी ही माजरत कर लूँ कि अपने बयान में या इनसे मेरे बयान में कोई ऐसी बात आती है जो किसी की जात पर मुंतबिक हो जाती है तो एक मतलब और आखिरी मतलब कहता हूँ, कभी दोहराऊं मैं नहीं, कि जो कुछ मैं कहूँगा वो बगैर किसी इल्म के बगैर किसी जात को सामने रख के कहूँगा। मुंतबिक हो जाना मजबूरी है, अगर दिल दुख जाए तो इस दिल के दुखने के लिए मैं पिछली तकलीफों के लिए आपसे मदद भी कर सकता हूँ, और आइंदा कभी दिल दुख जाए तो उसके लिए अभी ऐसी मदद किए देता हूँ। लेकिन मैं अपने मकसद से हटने वाला नहीं हूँ, मैं अपने रास्ते पर तब्दील करने वाला नहीं हूँ। आप राजी रहेंगे या नाराज रहेंगे इसकी कोई कीमत नहीं है, कीमत ये है कि मैं दाखिले हुसैन है हुसैन हूँ, हुसैन मुझसे राजी रहेंगे या नहीं राजी। तो मेरे बयान से अगर कभी भी आज जाऊंगा यहाँ या कहीं किसी आदमी का दिल दुख जाए तो वो मेरी मजबूरी है, इसके लिए मैं आपसे सिर्फ भी मदद करता हूँ और माफी मांगता हूँ। लेकिन मुझे खिदमत का मौका दीजिए, एक मिलजुल के प्रवास भेजिए उनको मिला। अधिकारी ग्रामीण, अब मैं इस जरूरी तस्करे के बाद अपने असल बयान का आगाज करना चाहता। मैंने आपके सामने इससे पहले कहा था कि ये जो सूरत हाल पाई जाती है कि हम खुदा और नबी और ईमान को मानते भी हैं और उनके अहकाम के सामने सर झुकाने के बजाय नाफरमानी करते हैं, और नाफरमानी करने पर न डरते हैं न झिझकते हैं न खौफजदा होते हैं न डरते हैं न कांपते हैं न शर्मिंदा होते हैं, बल्कि नाफरमानी को भी बाकी रखना चाहते हैं और ईमान को भी बाकी रखना चाहते हैं। ये जो अमली सजा पैदा है इसके अरबाब ढूंढना पड़ेंगे और अरबाब का इलाज करना होगा ताकि हम ईमान के बाद ईमान का फायदा उठा सकें और अपने और अपने घर वालों को दोजख की आग से बचा सकें। मैंने अब तक आपके सामने जो तस्वीरें किए हैं जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी में ये अमली तलाक पैदा है कि खुदा को माने और हुक्म न माने, नबी को माने और हुक्म न माने, इमाम को माने और हुक्म न माने, उसमें से आज एक नया सबब आपके सामने अब करना चाहता हूं। वो सबब ये है कि हमारी सोसाइटी में दीन की पाबंदी के सर्किल बना दिए गए। आप लोग इस बात को तवज्जो के साथ सोचते हुए क्या करना चाहते हैं, हमारी सोसाइटी में हलाल और हराम की पाबंदी के लिए, वाजिबात को अदा करने के लिए, गुनाह और हराम कामों से बचने के लिए सर्किल बना दिए गए हैं। उन सर्किल के अंदर जब हम रहते हैं तो
हमारे लिए हलाल हलाल रहता है, हराम हराम रहता है, बाजी बाजी रहता है, और जब संस्कृत से बाहर चले जाते हैं तो फिर हमारे लिए न हराम हराम रहता है, न हलाल हलाल रहता है, न बाजी बाजी रहता है। आपको मुझसे पूछने का हक हासिल है कि हमारी सोसाइटी में वो कौन से सर्किल है, तो पहला सर्किल से ही जिसका नाम है एक्सलेंट मौसम। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाज़ा है कि हम अपनी बिजी लाइफ से वक्त निकालें कि कहीं न कहीं मरीज को जाके ठीक हो जाए, तो ये हुसैन कहा हमारी पूरी जिंदगी पर है या मुहर्रम के दस दिनों के अंदर। अगर हम 11 मुहर्रम को कहते हैं हमारी बिजी लाइफ में गुंजाइश नहीं है मजहब के लिए कि हम मस्जिद ना सके, मस्जिद ना सके, किसी दिन सेमिनार ना सके, तो इसका मतलब यह है कि हमने अपनी जिंदगी में से 10 रातें निकाली है हुसैन के लिए, तो 10 रातें हुसैन के लिए है और बकिया सारी रातें क्या अब्दुल्ला यजीद के लिए। और जब रात तब्दीली बनाती तो कुछ वह है जो पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक आती, कुछ इतने बिजी रहते हैं कि वो 7 मुहर्रम तक आते, कुछ उनसे ज्यादा बिजी लाइफ करते, वो बहुत छवि आती रहती। हमने कहा भला साहब जब तक हम रहे लंदन में मिलने साथ रहे आपको नहीं देखा जब यासूर के बाहर का वो बेकार रहे होंगे, उनके पास कोई काम नहीं रहा होगा मरीज के अलावा, बातें रहे होंगे मरीज आप, हमको तो हजारों काम है, हम कहां से मरीज में आ सकते हैं। लेकिन एक बात सुनिएगा, जब हमने मरीज की बात की, जब हमने मस्जिद की बात की, जब हमने वाजिबात की अदायगी की बात की, जब हमने गुनाहों से बचने की बात की, किसी आदमी ने कहा हम बहुत बिजी हैं, हमारी लाइफ इतनी फुर्सत नहीं है कि हम इतना वक्त अपने 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 कामों के लिए छोड़ करके मजहब के कामों के लिए निकाल सके। तो एक बात बताइए, जब हम की हमारी नौकरी खत्म हो गई, हमने खुदा से कहा पालने वाले फिर हमें नौकरी दिला दे, जब बच्चा हमारा बीमार हो गया हमने कहा पालने वाले उसको अच्छा कर दे, जब हम किसी केस में फंस गए हमने कहा पालने वाले हमको नजात दिला दे, किसी मुश्किल में पड़े हमने खुदा से दुआ मांगना शुरू की। अगर उसने पलट के कहा मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तुम्हारी दुआ सुनने की छुट्टी नहीं होगी, तो क्या होगा हमारा। और अगर आप सोचिए तो वाकई खुदा ही बिजी है, वो इतना बिजी है कि उसमें ज्यादा कोई बिजी नहीं है, वो एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं है। अलबत्ता वो कुदरत कामिला का मालिक है, वो लाखों करोड़ों बेशुमार काम करता है, मगर उसके लिए न थकड़ पैदा होती है न मसरूफियत पैदा होती है। क्यों? इसलिए कि कुदरत काला का मालिक है। मैं इसी मिसाल को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमने जिंदगी में 10 दिन हुसैन के लिए रखे और बकिया सारे दिन हुसैन के लिए नहीं रखे। मैदान में चल रहे पहुंचे, इधर बेटा देखा जो हमारे गुनाहों के बिना पर हमें आवाज दे रहा है, तुम्हारा रिजर्वेशन इधर है, इधर आओ। हमने उधर जन्नत देखी जिधर हम जाना चाहते हैं, दरमियान में हमने देखा हुसैन के अलावा कोई नहीं है जो हमें जन्नत दिला सके। हमने हुसैन से कहा मौला शिबात कर लीजिए, शिबात कर लीजिए ताकि हम दोस्त से बच जाए, अगर कि हमने इतने गुनाह किए हैं कि दोस्त के काबिल है, मगर आप शिबात कर ले ताकि हम जन्नत से बच जाए। तो अगर हुसैन ने हमसे कहा कि 10 रातों के लिए मैं शिबात कर सकता हूँ, बकिया रातें तुमने आजाद रखी थी उनके लिए तो दोस्त ही नहीं जाना। ये बातें मैं इन मिसालों में क्लियर करता हूँ कि मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान, मेरे भाई बातों को पूरे तौर पर महसूस कर सके। मैंने एक मिसाल दी आपके सामने कि हमने दीन के लिए सर्किल बनाए हैं, मुहर्रम के 10 दिन हमारे लिए पाबंदी दीन की बात। कुछ चेहरों तक कुछ बातें छोड़ देते हैं, कुछ रमजान के आने पर कुछ काम ये करते हैं, कुछ गुनाह कम करते हैं। सर्दी कैसे? एक साहब ने हमने पूछा, वो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, हमने पूछा आपके बच्चे भी नमाज पढ़ी? सर्दी सुना रहा हूं सर्दी, उन्होंने हमें गौर से देखा, कहने लगे जी आपने क्या पूछा? मैंने कहा ये पूछा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे भी नमाज पढ़ी? कहा हमारा बच्चा। हमने कहा आप ही का बच्चा है, इसीलिए हमने आपसे पूछा। क्या हमने भी 60 साल होने के बाद सुनी थी, तो वो हमारा बच्चा है अभी कैसे? हमने कहा नमाज वाजिब है, कहा वाजिब तो है मगर अभी तो बच्चा है।
अब ये कब तक बच्चा रहेगा, इस तक बाप मर रहे। मजहब ये कहता है कि जहां से लड़की या लड़का बालिग हो जाए वहां से मजहब की पाबंदी उस पर वाजिब हो जाए। मजहब क्या तरकीब है? मजहब का तरकीब ये है कि जब तक बालिग नहीं है तब तक न कोई चीज वाजिब है न कोई चीज हराम है। बालिग होने के साथ साथ दूसरा तरकीब है कि जब तक अकल बाकी है, होश बाकी है, तब तक वाजिबात वाजिबात रहेंगे। जब खुदा ने खासा किसी वजह से किसी के पास हाथ न रहे, होश न रहे, अपने वाजिब वाजिब रहेगा तो हराम रहेगा। मतलब की तरकीब है वाजिब पर वाजिबात है, दीन की पाबंदी उस पर है जो अमल वाला हो, दीन की पाबंदी की जिम्मेदारियां उस पर है जो मजबूर न हो। अगर मजबूर हो जाए तो जब तक उसकी मजबूरी बाकी रहेगी तब तक दीन की पाबंदी वहां तक उठा ली जाएगी जहां तक उसको मजबूरी न हो। तो मजहब ने तो खुद ही हमारे हालात को सामने रख के वो सर्किल मुकर्र कर दिए हैं कि दीन की पाबंदी पर अमल करना, दीन की पाबंदी करना, दीन के अहकाम पर अमल करना हमारे लिए मुश्किल न रह जाए। लेकिन हमने उसके बरखिलाफ जो सर्किल बना लिए है, ये सोसाइटी के सर्किल है, इनको न खुदा जायज करार देता है, न नबी जायज करार देते हैं, न हमारा इमामों में से कोई इमाम उसको जायज करार देता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कुरान मजीद हमसे क्या कहता है। कुरान मजीद हमसे कहता है हमने जिनों और इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। सिर्फ इबादत का मतलब यह है कि इंसान को हक नहीं है, इंसान को हक नहीं है कि वह हमारी मर्जी के खिलाफ जिंदगी बसर। बड़ी अजीब व गरीब बात है, बड़ी अजीब व गरीब बात है कि हम इस जिंदगी में इंसानों की लगाई हुई पाबंदियों पर अमल करते हैं। जहां लिखा हुआ है नो स्मोकिंग, हमें इतनी ही सिगरेट पीने की बेचैनी क्यों न हो लेकिन हम नहीं पिएंगे, इसलिए अगर पिएंगे तो वैसे मुहत्तम हो जाएंगे। जिस घर में आए हैं, जहां आपके बैठे हैं, उसके कानून की खिलाफवर्जी हो जाएगी। हमने कहा आप तो बहुत पीछे थे, चेन स्मोकर थे, क्यों नहीं पी रहे हैं? कहा नहीं देखते कि लिखा हुआ है नो स्मोकिंग। तो बंदे ने लिख दिया नो स्मोकिंग तो हम पाबंदी करेंगे, और शरीयत ने कहा ये काम न करो तो हम मजबूरियां बयान करने लगते हैं। तो जरा पहचानिए कि इंसान की पाबंदियों की कीमत हमारे सामने है और खुदा की पाबंदियों की कीमत नहीं है। तो फैसला करना पड़ेगा हमारी निगाह में इंसान बड़ा है या खुदा। मैं आपके सामने थोड़े से सर्किलों का और इजाफा करना चाहता हूं और बिल्कुल निडर होकर इजाफा करना चाहता हूं। अगर मेरी बात किसी चीज पर जाकर मुंतरिक हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हद से हद से हद मुझ पर नहीं है, और मैं किसी पाबंदी पूर करने पर तैयार भी नहीं हूं। मैं तो दोजख की आग से बचना चाहता हूं और बचाना चाहता हूं। मैं तो है मुहम्मद राज मुहम्मद सवाल यह है कि जिस
खुदा ने मदद भेजा था, क्या उसको प्यार नहीं रहा था समझते हैं? हमारी सोसाइटी में बहुत से कंसेशन मिलती है। एक दौलतमंद आदमी, एक हुकूमत में हिस्सेदार आदमी, 1500 में असर रखने वाला आदमी, उसका जो खुशरा होता है, हमने कहा अजीब बात है, अजीब बात है कि दिन को मांगते हैं, दिन की पाबंदी नहीं करते हैं। कहा जनाब ईद बकरीद आ जाते हैं, यही क्या करते हैं? यानी चूंकि हमारी सोसाइटी में बड़े आदमी हैं, ज्यादा जो सोसाइटी में बड़ा है वो खुदा के सामने इतना बड़ा हो गया है कि 365 दिनों में सिर्फ 2 दिन खुदा के लिए है, 365 दिनों में 363 दिन को खुदा सवा है। जनाब इनको कहां फुर्सत है, इनको कहां मौका है? लेकिन आपकी खिदमत में करना चाहता हूं कि ये हमने जितने संस्कृत बनाए हैं, ये सारे संस्कृत हमको दौलत की याद से करीब कर रहे हैं। खुदा हमें आवाज दे रहा है, या यूहल्लज़ीन आमनू कुवन मतकुम अहलीकुम नारा, ईमान लाने वालों दीन की पाबंदी करो, वाजिबात को अदा करो, गुनाहों से अपने आप को बचाओ। और ये मत देखो कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन औरत है, कौन मर्द है, कौन एजुकेटेड है, कौन नॉन एजुकेटेड है, कौन लखपति करोड़पति है, कौन गरीब है। नहीं, दीन सबके लिए है। अगर आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं आपकी खिदमत में एक अजीब और गरीब हकीकत दर्ज करना चाहता हूं। लोग कहते हैं ये बड़े आदमी है, बड़े आदमी का मतलब बताए, बड़े आदमी का मतलब है पैसों का प्रबंध, किरदार घट जाए तो कुछ नहीं करता, किरदार घट जाए तो कोई सी तारीफ नहीं। एक आदमी जा रहा था सड़क पर, ये सब वाकियात मुझे निकाले, एक आदमी जा रहा था, दूसरे आदमी ने कहा ये बहुत बड़े आदमी थे, ये बहुत बड़े आदमी थे। अब जो मैंने देखा तो बिल्कुल जवान है, 35 साल के आदमी है, कहीं से झुके नहीं है, न हाइट कम हुई है, न कहीं से खर्च छोटा हो गया है। हमने कहा जितने बड़े तो उतने ही बड़े तो है। मैंने कहा मनी साहब आप तो मनी साहब को मनी साहब है। अरे हम बड़े आदमी का मतलब ये कह रहे हैं कल ये करोड़पति था, आज गरीब हो गया। दूसरे आदमी को हमने देखा, उन्होंने कहा ये बहुत छोटा आदमी था, ये बहुत छोटा आदमी था, अल्लाह ने इसको अब बड़ा कर दिया है। तो हमने कहा ये तो 40 फुट का नजर आता है, बड़ा कैसे बोलते? कहा आपकी अगर मोटी है, आप इन बातों को समझते नहीं है। हमने कहा समझाने वाले आप मौजूद है, समझा दीजिए। कहा छोटे का मतलब यह कि गरीब आदमी था, अब ये करोड़पति हो गया है। तो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में दौलत घटती बढ़ती है तो आदमी छोटा और बड़ा हो जाता है, कैरेक्टर का बड़ा है तो कोई मतलब नहीं। लेकिन दीन के हुदूद में, दीन के हुदूद में अल्लाह ने आवाज दी, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, अल्लाह की निगाह में फकत वही बड़ा है, वही पाई तक है जो कैरेक्टर वाला है, जो किरदार वाला है, जो काबिले दीन है। अब वो यह बहुत बड़ा था, अब वो सुफियान बहुत बड़े थे, वो सरदाराने वक्ता बहुत बड़े थे, अगर जब वो काफिर हो गए तो खुदा ने उनको छोटा कर दिया। बिलाल बहुत छोटे थे, सलमान बहुत छोटे थे, अबू ज़र बहुत छोटे थे, नज़ार बहुत छोटे थे, अम्मार यासिर बहुत छोटे थे, लेकिन जब उन्होंने दीन की पाबंदी से कैरेक्टर पेश किया तो खुदा ने उनको इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि नबी ने सलमान के लिए कहा यह मेरे भाई। मैं आपकी खिदमत में बस बदल ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जितने हमने अपनी सोसाइटी में सर्किल बना लिए हैं, ये सर्किल वो है, ये सर्किल वो है जो शैतान ने बनवा दिए हैं, ताकि हम खुदा को माने, हम नबी को माने, हम इमाम को माने, और उसके बावजूद भी हम दोजा को गुजारा रास्ता चले जाए। मैं उसी से बचाने के लिए और खुद उसी से बचने के लिए आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बात कहना चाहता था, तो जो हमारी सोसाइटी में बड़ा हो जाता है, यानी इज्जत और पैसे में बड़ा हो जाता है, वो बड़ा बेदीन है। जो बेचारा गरीब है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, हमने कहा बड़े मोमिन है, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, साल भर में कभी इनका रोजा रमजान में अदा नहीं होता है। हाँ हाँ ठीक है, ये सही की मंत्री और करोड़पति हुकूमत का बड़ा होते था, कोई मजबूर सियासत का। हमने कहा ये दीन का नाम लेते काम नहीं करते हैं, कहा जनाब वो ईद अभी आ जाते हैं, ईद का
तो हमारी सोसाइटी का उल्टा चलन ये है कि जिनके पास नियमतें कम है वो खुदा का शुक्र ज्यादा करते हैं, जिनके पास नियमतें ज्यादा है वो खुदा का शुक्र कम करते हैं। हालांकि तकादा ये था कि जब खुदा ने तुमको ज्यादा नियमतें दी है तो तुम्हारा शुक्र ज्यादा होता। अपने आप को सभी से पुष्टि करो, खुदा बंदे आलम ने कहा कि मेरे नबी मेरे बंदों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दो, मेरे बंदों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि जिनको मैं थोड़ी रोजी देता हूं। बड़ी अजीब और गरीब बात सुनकर याद रखिएगा का जिनको मैं थोड़ी रोजी देता हूं अगर वो मेरे बंदे मेरी थोड़ी दी हुई रोजी पर राजी हो जाए, इस खैर को फिर थोड़ी रोजी पाने वाले थोड़ी सी इबादत पर राजी हो जाती है। थोड़ी रोटी पर राजी हो गए तो मैं खुदा होते कि थोड़ी इबादत पर राजी क्यों हो जाओ। इसका दूसरा मतलब यह है कि जिनको ज्यादा रोटी देगा कि ज्यादा रोटी का शय भी नहीं होगा कि जब तक वे ज्यादा इबादत करेंगे उसका भी बनाती है। मैंने आपके सामने जो सत्रों का तस्करा किया है आप उनको मुकम्मल नहीं कर सको, तभी आपको करना चाहता हूं कि बड़ा आसानी कल मैंने आपके सामने कहा था, आज भी करना चाहता हूं। हालात कुछ भी हो, हमारी बातें कुछ भी हो, हकीकतें नहीं बताई। अगर हकीकतें नहीं जाया करती, अगर हकीकतें नहीं जाया करती तो वो एंड जमीन को तोड़ कर देते, जमीन की बैठ कर देते, जमीन को अपने होना तय कर देते, बैठे हो जाए यहां करके चाहे पूर्ण कर बताया कि बातचीत को हराश कर करके हमने का दीजिए तीन को शुरू। मैं आपकी खिदमत में गुलाई करना चाहता हूँ कि दो घंटे कहते हैं, दो घंटे कहते हैं मेरी बात नहीं करता हूँ, सारी दुनिया में चिंता करता हूँ, जहाँ जरा जाता हूँ वहाँ हमारा तो होती है जो कहते हैं जरा होगी का प्रयास कर रही हूँ। सोसाइटी जो बातें और जाएंगे उसको तो देखनी है, बच्चों को तालीम जो लेना है उसको देखनी पड़ेगा, हलाल हलाल को बात नहीं मन हमें चला करता है। मन हमें ये कहता है कि अगर तुम किसी ऐसी जमीन पर हो, तुम किसी ऐसी जमीन पर हो जहां अपने दीन की पाबंदी नहीं कर सकते हो तो तुमको दो बातों में से बात कराता बनना पड़ेगा, या तो वहां ऐसा माहौल बनाओ यहां वहां ऐसे हालात बनाओ कि अपने दीन की पाबंदी कर सको। अगर ये तय हो गया कि दीन की पाबंदी वहां करना मुमकिन नहीं है तो मदद कहता है ये राजी है जमीन छोड़ के बाहर जाकर मैं तो जमा करा दीन का जारी करता हूं। जिन बुनियादों पर कल हिजत आती है उन बुनियादों पर आज भी हिजत आती है। कल यही बात थी कि जो मुसलमान अपने दिन पर बाकी नहीं रह सकता है उसको माहौल से उस शरीर से उस कृषि से उस सोसाइटी से मीडिया जाना वाजिब है, जहां पर दिन के सोने पर मजबूर है और जान जाना वाजिब के साथ ही उसके लिए आगामी बचा खाते जो मामला इनके दल का है कानून का है, जो मामला कानून याद है, जो मामला रोगी का है लेकिन हमने याद का है, हमने यह किया है कि हमने सबसे बना दिए हैं जो सर्दे देते हैं जो बात देते हैं वो भी सर्दे देते हैं, सबसे कोई कानून जो सर्दे देते हैं जो बात देते हैं, ये हमारी सजा करता सब चीजें है उनको होकर सही करके सभी के साथ आपके सामने मोबाइल को पेश करूंगा, अभी तक लोगों से करूंगा लेकिन आज मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि कुरान मजीद ने हमसे कहा है तुम पर सारी चीजें राजी है, तुम्हारे लिए जितनी चीजें हराम है वो हराम है जब तक बच्चे तुम बाली हो और जब तक तुम जिंदा हो और तुम्हारे हवास और तुम्हारी नजर बाकी अलबत्ता अगर तुम मजबूर हो गए, अगर तुम मजबूर हो गए मजबूरी के मामले का कि सत्ता जान को मजबूरी के मामले की सत्ता इज्जत को मजबूरी के मामले है कि सत्ता माल की इतनी बड़ी विद्यार को है कि अगर उतना हिस्सा माल का पाया हो जाए तो हमारी जिंदगी में प्रकाशी और मारने के बाद से बिल्कुल खत्म हो जाएगी और हम जीत मांगने में मजबूत हो जाएंगे। क्या देखिए मदद ने इंसानी जिंदगी के किस लोग को बदलाव किया है, वो कहता है जान में सुधरना चाहिए, वो कहता है जल में सुधरना चाहिए, वो कहता है वो
और बाइक हो जिसको बताने की कोई मांगा है वो मान लीजिए। अगर खतरा काम तो है, अगर खतरा मान तो है, इस मान को उसकी मेहनत की थी है, खतरा इज्जत को है, तो तुम्हारे ये हराम उतनी देर के लिए हलाल है जब तक तुम्हारी ध्यान नहीं मिलती उसके बगैर, जब तक तुम्हारा निर्माण नहीं मिलता उसके बगैर, जब तक तुम्हारी मेहनत नहीं मिलती उसके बगैर, लेकिन अगले जरूरत हराम हजार हो जाएगा ये नहीं है कि हमारी मर्जी के मुताबिक हलाल हराम हो हराम हजार नहीं। मैं रोजी के सिलसिले में जो आज हमारे सोसाइटी के कलबो समाज पर सब ज्यादा छाई हुई चीज है, एक और आखिरी बात समझ के आज की तकलीफ को मुकम्मल कर देना चाहता हूँ। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हमें फैसला करना पड़ेगा हम दुनिया की बातों पर यकीन रखते हैं या जिसको अपना इमान मानते हैं उस मान की बात करते हो। मौलाए कायनात, मौलाए कायनात, अमीर मोमिन अलीगिर अली सारी रखा अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं धोनी के मुताबिक और मिसाइल भी आपके सामने पेश करूंगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा ऐसे हाजिर में धोनी के मसाइल को समझ लेना चाहिए कि कुरान हमको क्या क्या जमानतें देता है, क्या क्या इत्मीनान दिलाता है, और हमने उस जमाने के इत्मीनान को छोड़ के अपने अपना डिजाइन बना लिया है और उसके नतीजे में हम दीन छोड़ने पर तैयार है, तो क्या रोगी के जितना हम परेशान है इतना हमें परेशान होना जायज है? लेकिन आज मैं मौलाए कायनात की जमीन का एक वाक्या पेश करना चाहता हूँ। मैं भी आपकी तरह से एक जमिया इंसान हूँ, आपको भी मोदी चाहिए तो मुझे भी मोदी चाहिए। मैं आपके क्षेत्र में वाकया कर रहा हूँ जिसने मोदी के मामले में मुझे 100% 100% अपमान कर दिया है, तो मैं चाहता हूँ उस वाक्य को आप भी सुन ले, चाहे वह इतना आपको भी हासिल हो जाए तो मुझे हासिल हो। अगर ये इतना मोदी के बारे में हासिल हो जाए तो पाबंदी करना, वादविवाद को अदा करना, गुनाह और हराम वापस से बचना हमारे लिए आसान हो जाए। इस वाक्य को सुनने के लिए आप एक तलवार भेजो, एक तलवार करो। मौलाए कायनात कुछ इबादत करने के लिए, कुछ मुनाजे करने के लिए कश्मीर लाए मस्जिद पूछा, पूछे की मस्जिद से बाहर जाती बड़ी मौला के जानवर पर बैठ गया है, कि घोड़े पर बैठ गया है, लेकर तो यह मसला पैदा हुआ कि मौला जितने दिन मस्जिद में रहेंगे उसके हिसाब में रहेंगे। तो वो आदमी जो बाहर बैठा था उसने कहा, क्या ये मुमकिन है कि तुम मेरे सवारी के जानवर की इतनी देर निगरानी और इतनी देर में मदद करूं? उसने बड़ी खुशी का जाकर कहा कि हाँ मदद आइए, मैं निगरानी करूं। इसलिए कि दुनिया में किसी काम करने वाले को अच्छी मिल्लत पाने का अगर यकीन हो सकता है तो कभी ऐसे काम करने वाले को जिससे मौला अली मिल्लत मिलने वाली मस्जिद को उससे ज्यादा अच्छी देखना नहीं हो सकता। इसलिए कि इनका हर जानने वाला जानता है इनसे बेहतर उन्नत पहुंचे। उसने ये भी देखे क्या कितने पैसे दीजिए मौला ने, जब आप नमाज सरकारी होंगे, इबादत सरकारी होंगे, निकले तब तो सरकार मेरी योजना सुने, मेरी जमीन सुने, मेरे 700 से नौजवान चंद्र सरकारी हो गए। आप हम लोग मौला का इबादत करके मस्जिद से बाहर आए तो जिस जानवर के बारे में वो उम्मीद थी कि हार जाए वो खड़ा था, और जिस आदमी का इतना किया है कि ये भागने वाले जानवर को रोके रखेगा वो आदमी खा चुका, मतलब भागने की जान को जब जाने लगा तो घोड़े की लगाम थी वो ही होता है, और मैं समझता हूं उसका धंधा बहुत ठीक है। मेरी बात जानवर से उम्मीद है कि उठा लेगा, इंसान से उम्मीद है कि नहीं खाएगा। तो साथियों ने सोचा होगा कि जब ये जानवर इतनी देर से खड़ा है नहीं खाता है तो ये जानवर नहीं रहा आदमी हो गया, और जब वो जानने का तो कोई होता मैं भाग
जानवर हो गया तो उसने जाना से कहा अब तुम आदमी हो गया तुमको लगाना नहीं होगा तुम्हें मैं जानवर हो गया मुझे जाना तो आदमी में लगाम के गायब हो जाए और जानवर के लगाम होने के बाद भी वहीं पर खड़ा रहा नहीं मौला जी को सीख लें अपने खादी को बुलाए बुलाने के बाद उसे दो देने की दिक्कत कर और मैं तो मार्केट के बाजार से एक बड़े जानवर के लिए लगाम नहीं कर ये जगह है तुमने देखा जब वो आदमी बाजार में गया लगाम खरीदने के लिए तो उसने देखा है कि आदमी हाथ में लगाम लिया खुद ही आवाज दे रहा है तो रख नहीं जा रहा है तो वो देर रात नहीं खरीदे मना आदमी उसे खरीद गया था कितने में देखो के साथ दो देख तो मना जो हम लोग दिए थे उसने दो ग्रह दिए लगाम खरीद लिया जब लगाम खरीद के घर पर आया तो मौला ने मुस्कुरा के कहा कि ये वही लगाम है जिसकी चोरी हुई और उसके बाद मौला भी जानते थे मगर अगर मौला पूछे नहीं समाज जवाब में हो तो वाकया कैसे करेगा क्या तुमने कितने में खरीदा था खुद क्या तुमने कहा लगाए थे या उसने कहा था खुद कौन सा जो ग्रह मांगे मैंने तो बहस नहीं थी उसको नहीं किया मेरे पास जो ग्रह आपके पीए वो कुछ नहीं मिली तो मुस्कुराए और मौला ने मुस्कुरा ने कहा कि शिक्षक की युवक की धोती दो देहम मुकद्दर थी इसको एक वक्त हो देहम नींद में आने अब हमको आत्मभर्ता करना है हम जिंदगी में कहते हैं मौला अली को हम मानते हैं मौला अली को हम मानते हैं तो हमको खुद अपना हिसाब करके फैसला करना पड़ेगा कि मौला की बात पर हमारा दिल यकीन करके जिंदगी के रास्ते को बदलने का तैयार नहीं रहेगी अगर सारा वाक्य सोचे मेरे बजे ने क्यों दिया है मेरे लगा दिया है अगर सारा वाक्य सोचे मेरी किसी बेटी ने कहा मेरी किसी बहन ने कहा मेरे किसी बच्चे ने कहा मेरे किसी भाई ने कहा कि मौलाना जो कहा है वो बात तो सही है मगर इस जमाने में तो जहां से मेरा शुरू हुआ देता है वहां आपके सामने जहां से मेरा शुरू हुआ वहां से मेरे बंदा ऐलान करता है हम मौला को जबान से बंदा कहते हैं दिल से बंदा मानते हैं फिर मानते हैं सोसाइटी की बातों को हम दिल से मानते हैं दुनिया की बातों को और दबाव से मानते हैं अल्लाह को नबी को मानते और अगर ऐसा नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो मेरे आज के तक मेरी आवाज जा रही है हर कई कई योजना को तय कर लेना चाहिए कि हमको मोदी के बारे में विचार नहीं होना चाहिए मोदी मेरा पता ने अपने दिल में रखा है तो उसके मोदी भूमिका के सामने से बहुमान करना मोदी ने अपने दिल में रखा है लेकिन हमारी जिम्मेदारी है भाजपा के दीन को अदा करना अपना को बचना हो बचना हो तो मौला ने कहा अल्लाह ने आज इसकी रोजी में दो दिरहम रखे थे इसको दो दिरहम मिले न दो दिरहमों में कोई कमी हुई न कोई जाती हुई ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा दो मिल रहे हो या सोने को मिल रहे हो दो पैसे तो मिले दो पैसे दो मिले सबसे ज्यादा कीमती जगह इसने मेरे दिल को यकीन दिलाया है मेरी जिंदगी की श्रेष्ठ सहाय रखकर हो रही है तो मैं आप इस खेलों में करना चाहता हूं मौला ने कहा इसे दो दिरहम मिलने वाले से मिले अगर ये सब करता तो यही तो जरा इसको हलाल करी थे और इसमें यह कमी की है तो यही तो जरा मेरे हराम भूल जाइए भूल जाइए दुनिया के शोर को कि जो हम ये न करते तो ये नहीं नहीं हकीकत यह है कि जो मिलने वाला है वही मिल रहा है जो मिल रहा है यही मिल रहा है क्या आप तैयार हो याद रखने पुराने मजीद आके घरों में मजूद होकर जाइए और खोलिए और बारे बारे का पहला होगा कैसा इंश्योरेंस है कैसी जमानत है कैसी गारंटी है और पुराने मजीद के सुबह को पढ़ने के बाद हमको आपको तय करना पड़ेगा हम जबानी खुदा के मानने वाले हैं या दिल खुदा के पुराने मजीद के बारे बदले में बारे बारे के पहले बदले में बता कहता है
زمین فی الارض اللہ اللہ زمین میں ایک بھی زندہ جاندار چلنے چلنے والی رحمت ایسی نہیں ہے جس تک اس کی روزی پہنچانا خدا میرا اپنے لیے نہیں رکھتا. ہم نے وہ کون ہے جسے کلمہ نہیں یاد ہے؟ ہم کلمہ تو ہی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اللہ ہے. لا الہ کے معنی ہے کوئی خدا نہیں، اللہ کے معنی ہے سوال. آپ یقین مانیے دنیا کی کوئی زبان ہو، اردو ہو، ہندی ہو، سنسکرت ہو، فارسی ہو، پنجابی ہو، کوئی زبان ہو، سب میں بولنے کے تین طریقے ہوتے ہیں. ایک میں ہم کسی چیز کا اعتراض کرتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں اس وقت مائک ہے بات. ایک جملہ تو ہوتا ہے جس میں ہم کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، اس وقت دل نہیں ہے، دل نہیں. اور ایک جملہ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ ہاں نہیں دونوں ملا کے بناتے ہیں. یعنی جیسے آپ نے کہا آپ کو یقین ہے کہ یہ نہیں ہے نہ بھی ہے، ہم نے کہا ہم کو اتنا یقین ہے لیکن اس وقت کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو. تو اللہ نے جب تک ہم سے اعتراض لیا تو ہم نے کہا یہ میں کہو کر بننا ہوا ہے، ہم نے تم سے کہا ہے اللہ نے مزید میں لگت اللہ ہو بہت نہیں بہت سے اللہ کھیلا ہے، اس میں بہت اقرار ہے. لا شریک کا جو بات نہیں کہو اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. اگر تم کو میری توحید کا اعتراض کرنا ہے تو تم کو یوں کہنا پڑے گا کہ لا الہ کوئی خدا نہیں، اگر ہے تو صرف اللہ ہے. کیوں؟ تو یہ کہ بننے کا کوئی خدا نہیں ہے تو جتنے بنائے گئے ہیں جتنے بنائے جائیں گے وہ مٹی کے ہو، وہ لوہے کے ہو، وہ دھات کے ہو، وہ دیاری ہو، وہ سماجی ہو، وہ رسموں کی شکل ہو، وہ فصلے کی شکل ہو، جو چیز بھی بنائی گئی ہے تو پتا نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اللہ ہے. تو جیسے اللہ نے کہا تو کوئی خدا نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ، اگر ہے تو صرف اللہ ہے. اسی لب و لہجے میں کہتا ہے زمین میں کوئی زندہ نہیں ہے، زمین میں کوئی زندہ نہیں ہے، اگر کوئی زندہ ہے تو اس کا روزی پہنچانا میرے لیے ہے. چاہے اس کے بعد بھی ہم کو صبح ہوتا ہے، کے بعد بھی ہم کو صبح ہوتا ہے، پتا ہے ہم اس کو کرتے تو ہم روٹی. میں آج کی خدمت میں پورے قصور کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں جو روٹی ہمیں مل رہی ہے یہ ہمیں ملنے والی ہے، جو مل رہی ہے یہ روٹی ہمیں ملنے والی ہے، اور جو ملنے والی ہے وہی ملے. اگر آپ کو اب بھی مزید امید چاہیے تو میرے تین چیزیں آپ کے سامنے میں آئیں گی، ایک مولا کائنات، امیر المومنین علی جو میں علی تعالی کے سلام، جس میں مولا نے کہا، جس میں مولا نے کہا کہ اس کے اس کو آج اس کو دو درہم ملنے والے سے نہ زیادہ ہو کے ملے میں کم ہو. بھائی مجھے ملنے والا کب ہو میرا، مگر کیا فرمایا؟ یہ فرمایا اگر سب کرتا تو یہی جو جہاں اس کو حراج کرنے سے، اور اگر اس نے بے خبری کی یہی جو جہاں اسے حرام کی. تو اگر ہم حرام سے کچھ کماتے ہیں تو ہمیں کبھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اس حرام کو ہم چھوڑ دیں گے تو جو ہمیں مل رہا ہے تو نہیں ملے گا، نہیں تو مل رہا ہے تبھی ملے گا، جو ملنے والا ہے وہی ملے گا. اور اگر ہم سب کریں گے، اگر ہم پابندی کریں گے تو بھائی ہم کو حراج کریں گے. میں چاہتا ہوں واقعات کے سارے ہمارا ایمان بڑھے، ہمارا یقین بڑھے، ہماری ہمت بڑھے، ہمارا حوصلہ بڑھے. ہم تنانے سے شکر کھا کے شیطان کے راستے پر جانے کے بجائے تنانے کو شکر دے کے رحمان کے راستے پر. دوسرا جھگڑا میں نے آپ کے سامنے کیا، خدا نے گارنٹی دی ہے، ضرور کیا ہے، زبردستی ہے کہ ایک بھی جنتا مخلوق زمین میں نہیں پائی جاتی ہے جس کا دھوبی پہنچانا نہیں مل جاتی. تیسرا جگہ میں سناتا ہوں امام حسن نے صحیح رکھا آپ نے بتایا لاؤ یہ گرتا، لاؤ یہ گرتا رزق مضمون ان امر مفروض. میں نے کسی کو آپ کے سامنے آج تک جنت کی ہے، آپ کے تصویر تقریر کی ہے، آپ کے علم ہے، وہ سب آپ گیارہویں امام کی زبان مبارک کرتے ہیں. امام نے کہا اے انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ تم روزی حاصل کرنے میں اتنے مصروف ہو جاؤ، اتنے دلی ہو جاؤ، اتنے منفرد ہو جاؤ کہ جو تمہارے دل میں فرائض ہے، واجبات ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، ان دینی فرائض کو ادا کرنے سے تم کافر ہو جاؤ،
जबकि सूरत हाल ये है कि रोजी पहुंचाना खुदा ने अपने दिल में रखा है और आमाल का लगाना खुदा ने तुम्हारे दिल में रखा। अगर अभी आपको नदी जखीरा चाहिए कि जब कभी हमारे प्यारा का शैतान हमला करे तो हम मासूमीन के प्यारा के मतलब को जैसे हमले को दूर कर दे तो मैं फिर मौलाए कायनात अमीर मोमिनीन अली के लिए भी खाए गए रसूलुल्लाह को जिसमें मौला ने कहा कि मैं ये देख के हैरत पैदा हो जाता हूँ कि इंसान उस रोजी को हासिल करने के लिए बेचैन है जिसके लिए खुदा कहता है कि मैं करूँ और उस जन्नत के हासिल करने के लिए बिल्कुल इसको फिक्र नहीं है जिसके लिए खुदा ने कहा है ये जन्नत तुम्हें हासिल करना। अगर हमें ये यकीन पैदा हो जाए तो यकीन हमारे इमामों के जमाने पर मालूम हो रहा है जो कुरान में खुदा नारायण फरमा रहा है तो हमें ये इतना हो जाए हमको हलाल देखना है हराम नहीं देखना है गोली जो मिलने वाली है वो मिलने हमने इतने तरकीब बनाए हैं कि ये सारे तरकीब झूठे हैं ये सारे तरकीब शैतान ने हमारी भाई को जरा के बर्बाद किए हैं। मैं अपनी तकलीफ को खत्म करते करते एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। आज से 1400 साल पहले जब हजूर सदर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा इस्लाम की तकलीफ शुरू की तो उस वक्त अरबों ने तरकीब बना अरबों ने तरकीब क्या बना 1400 साल पहले की जब तरकीब नहीं हुई थी वो भी अरब अरबों में भी वो हिजाज में सबसे ज्यादा विस्तारी में वहां तरकीब जो बन गया था जो बन गया था कि अरब सोचता था कि बेटी को कमा नहीं सकती है बेटा को कमा सकता तो बेटा अगर जिंदा रहेगा तो यह माल जाएगा अगर बेटी जिंदा रहेगी तो खाएगा। हमारी जिंदगी में निजाम खत्म कर दिया है अब औरतें भी नौकरी कर रहे हैं घर की नौकरी कर रहे हैं अब निजाम नहीं रहे आप एग्री करें या न करें मैं फिर आपकी घटना में ये कहने की हिम्मत रखता हूं कि हटाए बदला नहीं करते मुझे किसी को मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने मजहब की दुनिया पर एक अकेला फिर छोड़ूंगा क्योंकि रोजी हासिल करने की जिम्मेदारी खुदा ने मर्दों पर रखी है और जो मर्द रोजी हासिल करे उसको सही तौर पर खर्च करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने औरतों पर रखी है। अगर हम मैदान से डर जाते हैं अगर हम अकीदत से डर जाते हैं अगर हम किसी उल्टी की तरह अपने यहाँ राइट देते हैं तो उसका नुकसान रोज रहना है उसका पहला नुकसान ये होता है लेकिन घरों में औरत और मर्द दोनों कमा रहे हैं न्यायाधीश दोनों कमा रहे हैं दोनों हाथों से माल कमा रहा है मगर औरत को न बाप मिल रहा है न मां मिल रही है। ये दूसरों के लिए चलने वाली औलाद जब बड़ी होगी तो इससे हम लोग कहेंगे हमको बाप कहेगी हमको मां कहेगी उसका भी जवाब नहीं होगा। जब हम मरने के काबिल थे तो तुमने दूसरों के हवाले कर दिया था और जब तुम मुर्दे हो गए हो मरने किसी के हवाले कर दिया मैं एक ही एक हजार बातें सिलसिले में कहने की आपके सामने हिम्मत रखता हूँ और मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप मेरी इस हकीकत को याद रखे मैं हकायक को हकायक मानने का आदि हूँ चरण को लड़ाई को सोसाइटी को हकीकत मानने का तैयार हूँ। अगर मैं सोसाइटी को हकीकत मानने पर तैयार हो जाऊँ तो हुसैन के जमाने में जो यजीद की सोसाइटी फैली जा रही थी हुसैन उस सोसाइटी को मान लिया सोसाइटी के सामने सब झुका दिया होता। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होना है हम हकीकत को रखेंगे हम सोसाइटी को नहीं मानेंगे। तो मैं आपकी हिम्मत में वो पुराने पैगाम फिर से करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जैसे जैसे मौके मिलेंगे मैं पेश करूंगा और मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे बच्चों मेरे नौजवानों आप मुझे पहचानिए मुझे तो ये भी डर नहीं है कि आप सुनना छोड़ देंगे तो क्या होगा आपके खिदमत अदा करने के लिए आया हूँ। मैं आपकी दी हुई इज्जत के जरिए आपकी
वो दर्दी का निर्धारण करके नहीं है। तो जो आखिरी बात का सुना रहा था सुनी थी कि आपको धरती उठा कर दिया कि बेटा जिंदा रहेगा, दूसरे का मारेगा, पति करेगा, खून चलाएगा, हराम कमाएगा, हराम कमाएगा, और बेटी गंगा देगी तो जब तक शादी नहीं हुआ बैठ खाएंगे, और जब शादी हो गई तो अपने घर को ले ज्यादा उल्टियां धरती कर दिया था कि बेटा पैदा हो तो उसे जिंदा रखो, उसे ढूंढा रखो, और बेटी पैदा हो तो उसका बेटा। आज हम कहते हैं बड़े तालीम थे, बड़े धनदार थे, बड़े संदिग्ध थे, बड़े नालायक थे, अब जो अपनी बेटी गला लगा सकते थे, लेकिन याद रखिए जब वो गला लगा रहे थे वो समझते थे हम के करीब काम है जो अंजाम दे रहे हैं, वो उसको कहते अरब समझते थे, वो अपनी सजा समझते थे, वो अपना कारनामा समझते थे। तो सोसाइटी कभी कभी इस मंजिल पर आदमी को ले आती है कि वो कत्ल करता है, मर्डर करता है, बाप होते बेटी का मर्डर करता है और समझता है हमने बड़ा साकार अंजाम दिया है। तो आज भी सोसाइटी में रहते हमारे किसी गलत काम को सही समझने लगे हैं तो हमको सोसाइटी छोड़ के हक की तरफ करना पड़ेगा। इधर कुरान आवाज दे रहा है, इधर इस्लाम आवाज दे रहा है, इधर खुदा आवाज दे रहा है, इधर नबी आवाज दे रहे हैं, इधर बारह के बारह इमाम हो रहा है। मैं आपके जन्मों को सत्य का सत्या करके आज की तकनी तमाम करना चाहता हूँ। वो ये मुझे कि जब इस्लाम आए तो हुजूर ने कहा, हुजूर ने कहा कि आपके बेटियों को कत्ल करना बंद करो। पुराने नबी पढ़े पुराने नबी से एक बजे का नहीं वो आदि जगह पर खुदा ने कहा कि तुम अपनी बेटियों को गुर्बत मुफलिसी पैसे की कमी के भाव के तसव्वुर से कत्ल करना बंद कर दो, तुम हम पर भरोसा करो, जो तुम्हें रोटी देगा वो तुम्हारी बेटियों को रोटी देगा। खुदा ने कहा, खुदा ने कहा, खुदा ने कहा शैतान तुमको खौफ दिलाएगा गुर्बत का और तुमसे कहेगा औलादों को कत्ल कर दो, मैं रहमान होके रज्जाक होके बहुत ज्यादा रोटी देने वाला होने के बाद तुम उनकी मजीद नट उठने वाली मजबूत ताकतों का मालिक होने के बाद तुमसे वादा करता हूँ, तुमको गारंटी देता हूँ कि तुम सब में रोटी दूंगा। तो शैतान की बात न सुनना, मेरी बात सुनना, करके जाहिर रखो ने अपना सर्किल तोड़ दिया, इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गए। उन्होंने इस बच्ची का गला लगाया करते थे, उसको कलेजे से लगा कर पालना शुरू कर दिया। आज आज पैगंबर भी, आज फातिमा ज़हरा भी, आज बारह के बारह इमाम भी हमें आवाज दे रहे हैं। कल का बदतरीन अरब सर्किल तोड़ के मुसलमान हो सकता था, आज पूरे चौबीस सदी का मुसलमान, उन्नीस सदी का मुसलमान, यह आज बीसवीं सदी का मुसलमान, ये हमारा हुक्म लगातार सोसाइटी का सर्किल तोड़ के हमारे दीन पर बांधने को तैयार है या नहीं, हमको फैसला करना पड़ेगा। हमको फैसला करने के बाद हिम्मत करनी, हमको हिम्मत करने के लिए अपने ईमान को मुस्तकम करना पड़ेगा। तो मैंने बात खत्म की, कुरान मजीद ने कहा है तुम्हारे लिए जो वाजिब है वो वाजिब है, जो हराम है वो हराम है, सर्किल मत बनाओ, सर्किल मत बनाओ। आज जहाँ मजबूरियां होंगी हम तुमको खुली जागर दे देंगे। मैं मजीद तमाम बच्चे हुए आपकी खिदमत में उस मौके को पेश करना चाहता हूँ जब मैंने बच्चों का तस्करा किया था, आज मैं बाप का तस्करा करना चाहता हूँ। जनाब मुस्लिम ने अजीब, जनाब मुस्लिम ने अजीब कूफे में तशरीफ ला चुके हैं और मैं सारे वाकियात छोड़ के तस्वीरें को मंदिर पर लाना चाहता हूँ कि मुस्लिम कैदी बना के गिरफ्तार करके इतने जनाब मजलूम के दरबार में लाए। जो बताया मुझे पढ़ना है वो पढ़ूंगा, लेकिन जनाब मुस्लिम ने अकील में अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में आखिरी मिनटों में हमको जो पैगाम दिया है, जो मैसेज दिया है, उसमें शामिल है। जब जनाब मुस्लिम ने अकील इतने ज्यादा मजलूम के दरबार में आए तो आपने कहा कि मैं सारे मुसलमानों से बात कौन था, मुस्लिम में कोई दोस्त नहीं था, जिसमें से मुस्लिम के दुश्मन थे, दुश्मन थे अली के दुश्मन थे, इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन करना पड़ते थे। ज्यादा बुजुर्ग ने उसको मुसलमान कहा और कहा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ कि मैं रिश्ते पूछे में आया हूँ, मैंने कुछ लोगों से कर्ज लिया है, आज कत्ल होने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कत्ल होने के बाद उनमें से कोई आदमी मेरी सलवार को भेज दे, मेरी जरा को भेज दे और मेरे कर्ज को अदा कर दे। ये मुस्लिम जिनसे तुमने कर्ज लिया है वो इसी कूफे का भेद है, जिन्होंने तुम्हारे साथ धक्का नहीं की है, धक्का की है, जिन्होंने तुमसे तुम्हारे साथ
कुबेर वालों ने जरूर किया है, वह नहीं किया है। क्यों उनके सब को याद रखे हो ताकि बचाना नहीं, मुसलमान वो है, मुसलमान वो है जिसे मक्के कम भी बाजी बाजी याद करे बड़ा फल। दुश्मनों से मुस्लिम कह रहे हैं मैं तुमसे सिर्फ दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरे मरने चला मेरी तलवार उतरा देर से मेरा फल उतरा कर दो ताकि मैं खुदा के सामने जाऊँ तो किसी बंदे का हक मेरे दिल में बाकी न हो। ये मुस्लिम का लड़ा करने का पैगाम मिल के रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। अगर वो नहीं हो तो मौत डरे करे सका जाए तब्दी बाजी को छोड़ना नहीं हराम को कर। उसके बाद इंद्रज ने कहा मैं तुम्हारे लिए कम करने का फैसला मैंने किया है। मुस्लिम ने कहा मैं खुशी के साथ फैसले को कबूल करता हूँ। क्यों? इसलिए कि इससे ज्यादा बेहतर कोई मौत नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि यहाँ कोई आदमी भी ऐसा हो जो मेरे मौला को मक्के में खबर पहुँचा दे कि वो कूफे तशरीफ न लाए। ए मेरे मुस्लिम, इस कूफे में तुम ये क्यों तवक्को कर रहे हो? मैं ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि शायद कोई दबा छुपा मजबूर किया हो तो इस खबर को सुन के मेरे इमाम को पैगाम पहुँचा दे। मैं मुस्लिम से कहूँगा जब मौत तुम्हारे सराहने आ गई है तो मुस्लिम को याद कर रहे हो। मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्जा है, मेरी जिम्मेदारी है कि मौत आ जाए तो आ जाए लेकिन वाजिब की अदायगी में इनकी पाबंदी में कोई कोताही न होने पाए। मेरी मंजिल तमाम, मेरा नजर मुकम्मल, मेरा पैगाम जंगला चला और मुस्लिम लेके चला। जनाबे मुस्लिम को दल नमाना की छत पर ले गया और उसके बाद वो इनाम जब तलवार दिखाई तो दुनिया का सावधान है, सलमाना का सावधान है। लेकिन तलवार की कमर और झलक में मौत को देखने के बाद पेशानी पर पसीनों का ना आना, आंखों में मौत की झलक का न पैदा होना, चेहरे में पसीनों का ना आना, उन पर और उन सांस में इजाफा न होना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब देखे जनजात ने तलवार से न्याय निकाली मुड़े उस मुख्य तरफ मुड़े क्या होकर उसको आए थे। मैंने सलाह उस गलंती से छठ की गलंती से आवाज दी अब सलाम उठे या मौला रहा अब्दुल्ला ए मेरे मौला अब्दुल्ला जो है जमा रखने का प्रयास की था वो खत्म करो। मुस्लिम हुसैन को कूफे दारो बनाया की तरफ से मक्के तक और सलाम पहुंचा रहे हैं और जालिम उसने मुस्लिम की तलवार का निशाना जो है तलवार चलाई लेकिन तलवार का बार हल्का पड़ा दस माया गर्दन कटी मगर सर करके सुधार दूंगा। मुस्लिम मुड़े और वो खुदा से कहा जब सब्र करता है तो घबरा के तलवार को जनदार ने मुस्लिम मसाला तलवार चलाई मुस्लिम को सर काटा और लेकर उतरा मगर कहता हुआ उतरा खुदा का सब मुस्लिम सलमान का नाम है मुस्लिम सलमान का नाम है जो मौत का मजाक उड़ाता हुआ चला गया, जो मौत से हंसता हुआ चला गया, जो मौत से मुस्कुराता हुआ चला गया। दुनिया में सब बातें मौत रोने लगते हैं, मौत को बड़ा समझते हैं, मुस्लिम सलमान का नाम है इसे मौत को अकीर छोड़ा सरकारिया सरकट काटने के बाद अपने हाथ में ले लिया और इंद्रजात के पास लेके चला मगर उससे पहले उसने गौर किया कि मुस्लिम की बुनियाद जिससे शुरू बन रहा था मुस्लिम की बुनियाद जो अभी कड़क रही थी मुस्लिम की बुनियाद जो अभी ठंडी नहीं हुई थी उसको दारो नमारा से सड़क पर फेंक दिया। इस बलंदी से सड़कती हुई रात का जलना और उसके बाद कानून लाए गए जो आपके मेहरबान से भूमि पूरी किए गए उनकी लाजी जमीन पर फेंक दी गई। फिर दोनों के मरीजों और लाखों के शहरों में बत्तियां बांधी गई और उनको छड़ों में गलियों में दरवाजों के सामने खींचा गया। ये होता है तस्वीर की लाल है, ये उनके पीछे की लाल है, ये उनके मेहरबान खाली से उभा की लाल है और उसके बाद के पास भेज दिया और दारू नमारा के दरवाजे पर लटका दिया। मेरी बहनों मेरी बेटियों को कलर पढ़ना चाहता हूँ ताकि हमसे दो मातम का हो जाए। कल मैंने आपको सुनाया था कि मुजनाब मुजिम ने अली की बहन की बीवी जनाब रुकैया ने जनाब अब्बास की सगी बहन थी वो अपने साथ अपने सौतेले बेटे लाई थी और रुकैया के बेटे रुकैया के बेटे मुस्लिम के साथ आए थे। कल मैंने आपको सुनाया मुस्लिम जब एक व्यक्ति मुस्लिम की जबंदे जो रुकैया के घर बेटे थे खड़े विचार किए गए और कर्बला में वो मुस्लिम के नौजवान शहीद हुए। जब उनका हुआ आगरा कर्बला के चल के धनुष के लिए रवाना होकर के कूफे पहुंचा
और दारू जमाने के पास पहुंचा तो बड़ा सख्त मसला था कि मुस्लिम की लाश झटक रही है, मुस्लिम की लटकी हुई लाश को उसने तैयार कर देखा, मुस्लिम की लाश को लटका हुआ जनाजे को तैयार कर देखा, वो तैयार की जो बेटी जो काज करती थी जिसका नाम जो तैयार था उसने भी देखा और भी देखा जनाजे को सज्जा हुए था छोटी अम्मा मरहला मुश्किल है और जनाजे होता जनाजे मुस्लिम लाओ से मुस्लिम के करीब आ गई, लाश के नीचे खड़ी हुई, सर ऊंचा किया, निगाहों को बलम किया, कटी हुई बदन को देखा, छिड़े हुए क्षेत्र को देखा, जिस पर सफल नहीं हुए उस लाश को देखा और उसके बाद नीचे आ गई और कहा ठीक है मुस्लिम हम तुम मक्के में टूटे थे आज तुझे में जमा हो गए तो मुझे देख लो मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी लाश पर सफल नहीं है, मेरे सर पर चादर नहीं है, तुम्हारी लाश पर सर नहीं है, वो जदीद के पास भेजा गया है, तुम्हारी बेटा के कभी बना भी नहीं के पास भेजी जा रही है, मतबा और सारी माई तुम शायद मैं आगे का सफल में सोचता हूँ कि जैनब ने कहा हो कहे नाती चलो, लबाब ने कहा हो कहे नाते चलो, उनने तो तुम ने कहा हो कहे नाते चलो, लेकिन मेरा तो सफल होते ये कहता है कि एक मतबा बेटे उसकी बहुत सारी माई और सारी माने के पास कहा तुमने ये उसी मुझे देखा मैंने तुम्हें दे दिया, मेरे साथ तुम्हारे दो जवान बैठे थे तो वो दोनों के साथ जारी हुई होते रहता है, ये तुम्हारी मदद से तुम्हारे सामने आते हैं, ये मेरे बारे में ये बता दो मेरे छोटे छोटे बच्चे का नाम है अल्लाह दुनिया रोती रहेगी मदद रोती रहेगी ये स्वर्ग रोती रहेगी, माँ आई और बच्चों को याद करती हुई चली गई, सच्चे फैसले में हर माँ को याद करते थे, एक ही कुएं में माँ भी है और ये भी माने जो जरूरी है मगर एक दूसरे को खबर नहीं है, नदी के बल हो हमारे सोसाइटी के सहयोग को तोड़ करके तेरे दिन की पाबंदी के लिए अपने को अपने बेटी औरतों को अपनी बेटियों और बहनों को अपने बच्चों और भाइयों को हमारा जमीन भाग के लड़ाई में हूँ हमको शैतान में फैला कर रखने की कोशिश अपने दिल की सहायता से जमने की कोशिश किया करना ताकि हमारी अगली अपने और हम तुम्हारा जमाना के अनुसारों को मान सके, हमारे जमाना बड़ा खुला सोच है अपने शादी को पढ़ते जगह से बाहर भेजे ताकि वो इतना को समझ सके कहीं उनके भगवान में भी जब चला सकना जब तक इमाम नहीं लाते हैं तब तक इस्लामी इतना की इजाजत करना, हमको भी अपने घरों में इस्लामी इतना पैदा करने की कोशिश किया करना, अपने खिलाफ में इस्लामी इतना पैदा करने की कोशिश अपने घरों में खानदान में इस्लामी इतना पैदा करने की कोशिश किया।